सरप्राइज। साले पुरानी दिल्ली के गटर की पैदाइश, जब देखो इस फैमिली को बचाने आ जाता है। तेरा इस औरत से रिश्ता क्या है? एक बच्चे का पहला घर, एक लड़के का पहला प्यार, इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता। क्या एक्शन के बीच में कहानी मत पूछ। ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, दिस गार्डन एंड यू। सूट पहन के इंग्लिश बोलने का मजा ही कुछ और है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज पता ही चल गया होगा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की आई फिल्म सजादा के बारे में। यह फिल्म रोहित धवन द्वारा निर्देशित किया गया है और यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। यह फिल्म 17 फरवरी अर्थात आज ही रिलीज किया जाएगा। बता देना चाहते हैं कि सहजादा अल्लू अर्जुन की आला वेकंडम पुरम लू की एक ऑफिशियल हिंदी रीमेक। कार्तिक आर्यन की आई मूवी भूल भुलैया 2 की सफलता को देखते हुए यह मूवी बनाया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके बजट और कमाई के बारे में बात करते हैं। अगर इसकी बजट की बात करें तो यह 85 करोड़ से बनाई गई मूवी है, जो कि अभी तक कमाई की बात करें तो 40 करोड़ रुपए या नेटफ्लिक्स को बेचकर कमा चुका है। इस मूवी की एडवांस बुकिंग की बात करें तो एक दिन में 1 करोड़ की आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। हालांकि कार्तिक आर्यन की युवाओं के बीच काफी अच्छी खासी फैल रही है। अगर हम बात करें कि इसके पहले दिन की कमाई के बाद, तो यह मूवी 8 से 10 करोड़ तक कमा सकती है। इसकी ओपनिंग डे 8 से 10 करोड़ हो सकती है। मूवी की इतनी कम कमाई होने का कारण कि फिलहाल पठान सिनेमाघरों में काफी मजबूती के साथ टिकी हुई है, लिहाजा शहजादा को बॉक्स ऑफिस पर कहीं ना कहीं किंग खान की टक्कर मिलने वाली है। लिहाजा इसमें जानकारी यह भी है कि 17 फरवरी मतलब आज ही के दिन मार्वल की फिल्म एंडमैन आने वाली है, जिससे लेकर लोगों की काफी बड़ी गजब की उत्साह देखने को मिली है। तब देखना यह है कि कार्तिक आर्यन की बनी फिल्म सहजादा जो बॉक्स ऑफिस पर क्या अच्छी खासी कमाई कर सकती है, कहीं उनकी ऑडियंस उनको सपोर्ट करेगी या नहीं। अगर आप किसी भी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं छोटे से इन्फॉर्मेशन को। वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।